इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दी कि अतीक को लेकर नैनी जेल पहुंची यूपी पुलिस। बता दी कि अतीक अहमद को नैनी जेल लेकर आया गया और कल अतीक अहमद की कोर्ट में पेशी होने वाली है। बता दी कि 5 बजे अतीक अहमद पहुंचने वाले थे और ये खबर सामने आ रही है कि अतीक अहमद को नैनी जेल लेकर आया गया है। बता दें कि नैनी जेल अतीक का काफिला पहुंच गया। आपको बता दें अतीक अहमद के प्रयागराज पहुंचने से पहले ही नैनी सेंट्रल में उसके बेटे की बैरक बदल दी गई और अतीक अहमद का एक बेटा वली अहमद प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है। बता दें आपको कि अतीक अहमद को भी नैनी जेल में रखने की तैयारी कर दी गई है और नैनी जेल के सूत्रों ने ये बताया कि अतीक के लिए एक बैरक तैयार की गई है और अतीक को नैनी जेल में रखने की बात जेल अधिकारी ने बताई और साथ ही बैठक की बैरक इसलिए बदली गई क्योंकि दोनों एक दूसरे से ना मिल सके। साथ ही अतीक को जिस बैरक में रखा जाएगा वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, ऐसा फैसला सामने आ रहा है। बता दें कि अतीक अहमद को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाएगा और उसकी निगरानी के लिए जेल से खास कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। बता दें कि अतीक अहमद को लेकर नैनी जेल पहुंच गए हैं और साथ ही बता दें आपको कि अतीक के ऊपर 2400 घंटे CCTV से निगरानी रखी जाएगी। साथ ही उमेश पाल मर्डर केस के मुख्य आरोपी अतीक अहमद को कल प्रयागराज की MP MLA कोर्ट में पेश किया जाना है और साथ ही अपहरण के पुराने मामले में 17 मार्च को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और मंगलवार को अतीक की सजा पर फैसला होना है।